कार्य अमर फाउंडेशन की जानिब से हौड़ा पिलखाना के फ्रेश बर्थ्स स्कूल में हिंदी उर्दू के मारूफ शायर सरवर दिलकश की याद में एक ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदी उर्दू के अदबा और शोरा और समाजी शख्सियतों ने काफ़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस ताज़ियती जलसे में उमायदीन शहर भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में कारी अमर फाउंडेशन के डायरेक्टर जैद अनवार और उनके साथियों का बड़ा हाथ रहा। मारूफ शायर कैसर शमीम ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम की अहमियत बढ़ा दी। इसी तरह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट बराए औकाफ शेख गुलाम रब्बानी ने भी हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम की अहमियत को बढ़ाया। इस प्रोग्राम की खासियत ये रही कि इसमें काफ़ी तादाद में खातिन ने भी हिस्सा लिया। सरवर दिलकश की माँ, भाई और बहन के अलावा उनके रिश्तेदारों ने भी काफ़ी तादाद में हिस्सा लिया। बाद में मशहूर अनाउंसर शकील अंसारी ने भी इसमें हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम की अहमियत को बढ़ाया। इस मौके पर मौजूद मुकर्ररीन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पे हम इसलिए नहीं बोलना चाह रहे थे, ये हमारा पुलिस इलाके के काउंसिलर जरूर है, कुछ पॉलिटिकल बात अगर होती है तो उसको बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे आने के बाद देख रहे हैं यहाँ बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े हस्ती लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे बोलने का कोई काम ही नहीं। बहरहाल ये लड़का जिसके बारे में आज ये महफिल लगा है, ये बच्चे ही से मेरे पास में रहा है और हमको पता ही नहीं कि ये लड़का यहाँ से जाने के बाद ऐसे माहौल में घुल मिल गया है जहाँ उसका नाम आप लोग इतना अदब से ले रहे हैं। बहरहाल दोस्तों और साथियों, ये तकदीर की बात है, अल्लाह ताला जिसको नवाजता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। वो लड़के को इस मोहल्ले में बहुत कम लोग हमारे जैसे आदमी जो जानते थे कि इतना पहुंच नहीं है, लेकिन आज यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ कि हमारे उर्दू को इतने आगे लेके जाने में आप लोगों का साथ, वो लड़का मिल कर करके इतना दूर तक पहुँचा, इस चीज़ की हमको बहुत खुशी है। लेकिन आज जो हमारे बीच में नहीं है उसके एहसान सवाब के लिए हम लोग तमाम लोग उसके लिए दुआ करेंगे। उनकी वालदा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी अल्लाह ताला सब्र अता फरमाया।